नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2023, नए साल की शुरुआत। सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ 1 जनवरी 2020 को जन्मी राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस का आज तीसरा स्थापना दिवस। पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के प्रधान महासचिव अनिल चौहान जी का भी 1 जनवरी को आज जन्मदिवस है। अनिल चौहान जी को भी अपने जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरे चैनल की तरफ से मैं पेश करना चाहूंगा। आप सभी को बता दें, राष्ट्रीय मजदूर पार्टी 1 जनवरी 2020 को मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस नाम से शुरू हुई ये पार्टी। बाद में इसका नामकरण राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस किया गया, जो समाजवादी विचारधारा के लोगों को जोड़ने वाली पार्टी है। दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे लोगों द्वारा, उनके साथ काम किए लोगों द्वारा स्थापित की गई यह पार्टी राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस। इसका मिशन है देश को फासीवादी ताकतों से बचाना और एकजुट होना, समाजवादी लोगों को एकजुट करना। इसी कड़ी में आने वाले 29 जनवरी 2023 को, जिस दिन दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की पुण्यतिथि है, उस दिन राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के नागपुर कार्यालय में एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। 29 जनवरी के दिन ही वार्षिक अधिवेशन, पार्टी का अधिवेशन होगा। उससे पूर्व सभी समाजवादी विचारधारा के बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है एक मंच पर, ताकि समाजवादी विचारधारा के लोग एक साथ जुड़ सके और समाजवादी एक समाजवादी मोर्चे का गठन किया जा सके। इस समय देश के हालात क्या है हम सभी जानते हैं। सत्ताधारी अपने सत्ता के नशे में मलमस्त है और विपक्ष फिलहाल काफी कमजोर है। तो विपक्ष को एकजुट करने राष्ट्रीय मजदूर पार्टी प्रयासरत है और राष्ट्रीय मजदूर पार्टी इसी मिशन को आगे लेकर 29 जनवरी को अपनी खास बैठक आयोजित कर रही है। 29 तारीख को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुबह 10 बजे पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसके बाद देश भर से आए समाजवादी विचारधारा के लोगों के एक मीटिंग होगी। उसके बाद दोपहर के भोजन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और विभिन्न प्रांत, विभिन्न जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। जैसा कि आपको आपको यह भी बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल पार्टी की जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसको भंग किए जाने का पार्टी ने पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया है और फिलहाल जो लोग काम कर रहे हैं वो कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे हैं। 29 जनवरी को फिर नए सिरे से पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा होगी और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रांत अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष, वो पार्टी फिर से नियुक्त करेगी। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी ने खुले दिल से लोगों को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है, निमंत्रित किया है। पार्टी महासचिव और वर्तमान अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिन तक पहुंच पाना पार्टी के लोगों के लिए अभी फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है, तो खुले मंच से ये ऐलान है, सोशल मीडिया के तौर जरिए ऐलान किया जा रहा है कि जिन जिन के पास इस तरह के मैसेज पहुंचते हैं वो चाहे तो इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, आने वाले समय में पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी और अभी आगे इस वीडियो में आप देखिए पार्टी के वर्तमान जो पदाधिकारी है उनके क्या कुछ विचार है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।
राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जो है जो लोकतांत्रिक पार्टी है, जनजन की पार्टी है, लोगों के लिए साफ लेके चलने वाली पार्टी है। न इसके अंदर कोई बड़ा है न छोटा है, एक साधारण कार्यकर्ता एक बड़ा पदाधिकारी सब मिल करके एक साथ के कंधे में कंधा मिल करके चलने वाली ये पार्टी है। आगे 29 जनवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें अन्य छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनेगा, जिसकी मोर्चे में जिसे फारूक अब्दुल्ला है, दिलेश जायसवाल साउथ फिल्म के हीरो, वो डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब, इस तरीके के अन्य समाजवादी जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, तमाम छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके हम जो है एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा 29 तारीख को गठन करने जा रहे हैं। 29 जनवरी को सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जब 4 साल की पुलिसी बनाई जाएगी, उसके बाद जो है तुरंत जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे की बैठक 1 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें जो है सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद फिर जो आगे चल करके अपने हिसाब से अपनी पार्टी कमेटी बनाएगी, और ये पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से है, किसको ये सोचे कि हमारी पार्टी है, पार्टी नहीं जनजन की पार्टी है। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, रामकृष्ण हेगड़े, चिमन भाई पटेल, मधु गढ़वड़े जैसे महारथियों के महान समाजवादियों के विचार से चलने वाली पार्टी है। इस विचारधारा से जो लोग भी जुड़े हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे कि 29 जनवरी को आकर के नागपुर में 4 साल की पूर्ति में शामिल हो, और उसके बाद हम जो है सब पार्टियों के समाजवादी विचार से जुड़ने वाली पार्टियों को जोड़ करके इकट्ठा करके उनको उनका जो है एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा गठन करेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।